श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्गाश्रम में दिनांक 2 मई 1941 को सायंकाल के समय दिया गया। पैठ संख्या 122, प्रवचन संख्या 21, विषय भगवत प्राप्ति का उपाय। मनुष्य को अपना शेष जीवन उच्च कोटि के साधन में बिताना चाहिए। घर रुपए आदि से विशेष संबंध नहीं रखना चाहिए। 5-10 आदमी आपस में बैठकर भक्ति ज्ञान और भगवत चर्चा करें और एक दूसरे को देखकर खूब प्रसन्न होवे। कोई भी भाई को साधन तेज करने की बात कही जाए और वह हाँ भर ले पर साधन तेज करे नहीं, यह ठीक बात नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति में राग द्वेष न हो तो वह अच्छी स्थिति मानी गई है। चाहे ऐसी स्थिति भक्ति से हो या ज्ञान से, यह सब बात होने की आवश्यकता है। समय का कोई भरोसा नहीं है। काल कब अचानक आ जावे पता नहीं। अब ज्यादा वर्ष यहाँ स्वर्गाश्रम आने की संभावना नहीं दिखती है। पता नहीं मेरा शरीर रहेगा या नहीं, और शरीर रहने पर भी आना होगा या नहीं, पता नहीं। मेरा उद्धार होगा इसमें तो शंका नहीं। इस पर मैंने उनसे कहा कि दो तरह की धारणा होती है। एक तो वह जिससे साधन में रुकावट पड़े वह गलत रास्ता है, और इस माफिक उम्मीद रखते हुए इस बल पर साधन होवे तो ठीक है। रुपए बाधक हैं, यह अच्छी तरह से अनुभव होता है, और परमार्थ अच्छे काम में भी रुपए लगते नहीं है। मन धोखा देता है कि कमा ले फिर परमार्थ में लगावेंगे। यह तो इस तरह है कि कीचड़ लगाकर उसे धोना। परमेश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, रुपए मत दे, रुपए आत्मा के कल्याण के लिए घातक हैं। साधारण साधक के लिए ज्यादा रुपए और ज्यादा कुटुंब घातक है। ज्यादा व्यवहार को बढ़ाना है वह गले में पत्थर डालकर डूबना है। जैसे हमारे प्रेस का काम और गोविंद भवन का काम है, वह भी साधक के लिए बहुत फायदे की चीज नहीं। वह निष्काम भाव से करे तो लाभप्रद है, पर निष्काम कर्म खांडके की धार है। भक्ति की तरह सरल नहीं है। कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा सरल बताया है। सांख्य निष्ठा वाले पुरुष कोई तैयार नहीं हुए तो समझते हैं कि सांख्य योग कठिन है। इसी तरह कर्म योग में कोई नहीं हुआ, भक्ति में भी नहीं हुआ, पर भक्ति को सरल समझता हूँ। भगवान के निराकार स्वरूप का उपासक भगवान के साकार रूप की और साकार की उपासना करने वाला निराकार स्वरूप की निंदा करता है तो वह भगवान की ही निंदा करता है। दोनों ही मार्ग सच्चे हैं। दोनों को एक बतलाने में लोगों पर दूसरा असर पड़ता है। भक्ति वाले समझते हैं कि इन्हें भक्ति का पता नहीं,
ज्ञान वाले समझते हैं इन्हें ज्ञान का पता नहीं है। मैं तो स्वीकार कर लेता हूँ कि मुझे भी पता नहीं है और आपको भी। मुझे अभेद के तत्व का अच्छी तरह ज्ञान हो गया, यह कहना तो गिराने वाली ही बात है। इसी तरह भक्ति के तत्व के ज्ञान का अभिमान करे तो यह भी ठीक नहीं। हर एक भाई को यह ख्याल रखना चाहिए कि इस विषय में अभिमान न करे। जो परमात्मा को पहुंच जान जावे तो उसे ऐसा अभिमान हो ही नहीं सकता। मैं तो यह जानता हूँ कि यह कहने वाला झूठा है कि जो यह मानता है कि मैंने तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उसे प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर तो सारी मान्यता समाप्त हो जाती है। जो अपने को ब्रह्म ज्ञानी बतला दे उससे डरना चाहिए कि वह रोग हमें न हो जाए। अभेद रूप से जो सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाती है तो वह कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना ही नहीं बनता। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से यह कहना नहीं बनता। भगवान के दर्शन करने के बाद सुनने वाला अधिकारी होने पर कह सकते हैं, हमारे ख्याल से कुछ भी नहीं कहें। आदर्श पुरुष को क्या करना चाहिए वह आप ही कर लेगा। वह करे वही ठीक है। वह कह दे कि मुझ में यह दोष है, उसे काम में मत लाओ, तो काम में नहीं लेना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति वाले पुरुष में जिनकी जितनी श्रद्धा होती है उतना ही लाभ होता है। 16 आने वाले को 16 आने, 4 आने वाले को 4 आने का लाभ होगा। अपनी मान्यता को नाप ले, व्यवहार से मालूम हो जाता है कि किसमें कितनी श्रद्धा है। पाखंडी काल नेमी को हनुमान जी भी नहीं पहचान सके। पाखंडी का लक्ष्य सफल नहीं होता। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 नारायण। ஆனந்தீயா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 னந்